हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय गुरु जी। ये मेरा नया व्लॉग है आज का। 8 बजे नींद खुली, पार्क में जा नहीं पाया, नींद थोड़ी लेट खुली। शोर रहे अभी भी सोया पड़ा। प्रीति प्रीति को खांसी हो गई है। अब शोर रहे की रुकी है तो प्रीति को हो गई है खांसी। गाइस, हमारे घर में सिस्टम चल रहा है, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं और फिर नाश्ता करके निकलते हैं ऑफिस। तो दोस्तों, नहा धो के पूजा पाठ हो चुका है, अब करेंगे नाश्ता। किचन में बैठ के करते हैं अब हम नाश्ता बिल्कुल सही तरीके से। और गाइस, प्रीति ने डाला है स्पेशल गाजर का अचार, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया लग रहा है, खा के देखते हैं। गाजर का अचार इसने सीखा था मेरी मम्मी से, और वो अब इस दुनिया में है नहीं मेरी मम्मी। बाकी प्रीति ने आज बनाया है सैंडविच, सैंडविच खाते हैं। गाइस, बिना घी का सैंडविच होता है ये। आप सब लोग प्लीज कमेंट में बताएं कि बिना घी का सैंडविच कैसा लगता है आप लोगों को। गाइस, चाय साथ आ चुकी है, आपको पता ही है चाय तो मैं पीता हूँ। गाइस, दिन में 2-3 चाय बांध रखी है, ज्यादा नहीं वही पीता हूँ, बस एक्स्ट्रा चाय नहीं पीता। 2 या 3 चाय बांधी हुई है, क्योंकि पापा जब होते थे तो साथ में ही पीते थे हम। पापा मम्मी के टाइम बांध रखा था हम लोगों ने। बाकी करते हैं सैंडविच का नाश्ता और फिर जाते हैं ऑफिस। तो गाइस, आए हैं घर। शोरे देखो, थोड़ा सा हुआ फुर्तीला, किचन में चढ़ा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, क्या निकाल रहा है? बिस्कुट, मम्मी को तंग करने में, और बिस्कुट भुजिया बिस्कुट के पीछे, और बन रही है चाय हमारे लिए, और साथ में प्रीति बना रही है खाना। देख लो देख लो, माँ बेटी की कुश्ती देखो, ये देखो, ये कंपटीशन कर रहा है मम्मी से। थोड़ी सी फुर्ती आ गई, तबीयत ठीक होगी इसकी। अब बाकी हम सब कैप में ही दिखेंगे आपको सर्दी में। चाय पीते हैं, शोरे भी चाय पीने की बात बोल रहा है, चाय बिस्कुट, और उसके बाद जाते हैं कहीं दूर। ए गाइस, निकले हैं घर से, जाएंगे ऑफिस। धूप निकली है बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार धूप निकली हुई है। अब जाएंगे ऑफिस में। बाकी मौसम आप देख सकते हो बिल्कुल खुल चुका है। गाइस, एकदम क्लीन सड़क है और साफ सुथरी, और धूप निकली है बहुत बढ़िया। हे गाइस, शोरे बैठा हुआ है रजाई में नहा धोकर, और बिजी है टीवी में हमेशा की तरह, फोन या टीवी। आज नहाए हैं सेठ जी, रजाई में घुस के बैठे हुए हैं एकदम बढ़िया तरीके से। हे गाइस, 5 बज गए हैं, 4:30 बज गए हैं, अब जाना है ऑफिस। बट पहले शौर्य ने जिद की हुई है, शौर्य को कुछ लेके देना है उसका सामान, तो जाते हैं शौर्य को लेके देते हैं स्पेशल, देखते हैं क्या लेता है वो स्पेशल में। कुछ बोल रहा था लेने के लिए, अभी बता नहीं रहा, कहते हैं पहले चलो बाजार, बाजार जाते हैं फिर देखते हैं क्या मांगता है। हे गाइस, तो शौर्य और मैं निकले हैं अब। शौर्य कहाँ जा रहे तू? शौर्य लेगा गन, शौर्य ने गन डिसाइड की है, कोई गोलियों वाली छोटी सी आती होगी खिलौना। तो शौर्य और मैं निकले हैं, पहले जाएंगे ऑफिस थोड़ी देर, फिर ऑफिस से जाएंगे गन लेने, इसको आज गन लेके देते हैं। तो दोस्तों, शौर्य हो रहे बेताब अपने खिलौना गन लेने के लिए, और हम बैठे हैं प्रीति की वेट में। ये भैया आए हुए हैं साथ, कोई काम है इनको अभी। और शौर्य बहुत ज्यादा बेताब है, फोन यहाँ भी फोन लेके बैठा है, छोड़ नहीं रहा फोन को। अब प्रीति आए तो हम जाए लेने के लिए, इसकी गन लेके आनी है हमने, वो लाएंगे जल्दी से जाके, उसके बाद देखते हैं कैसी गन लेता है ये। तो गाइस, आ गए हैं शौर्य की गन लेने के लिए, देखते हैं शौर्य कौन सी गन लेगा। और ये वाली बुलेट भी चलेगी, और इसको पानी में डाल दोगे ना तो ये बड़ी बन जाएगी। ये स्पेशल गन खोल के देखते हैं अभी, अनबॉक्सिंग अंकल खुद ही कर रहे हैं, चेक करेंगे पहले उसके बाद लेंगे शौर्य के लिए। ये खुल जाता है, ये तो वैसे ही सोफा से बना हुआ है। अंकल से पूछो, अंकल बताएंगे बेटा। ऊपर से डलेगी वाटर बॉल वाली तो। अंकल को दिखाओ पहले, अंकल बताएंगे यार। यहाँ से? हाँ जी, और ये वाली बॉडी यहाँ से डलेगी।
देखो देखो एक डाल के देख लो, चला के देख लो। तो गाइस अभी देख रहे हैं शोर्य गन अपनी पसंद करने के लिए, अब बताएगा तो यही, अपा तो बता नहीं सकते। वैसी बनी हुई है बेटे, जोर से। तो गाइस ये गन दिखाई है अंकल ने इतनी बड़ी, बाकी अब शौर्य बताएगा लेनी है नहीं लेनी, अभी उसके बाद देखते हैं। गन तो काफी बढ़िया लग रही है ये। अंकल ऐसी आंटी बैटरी ऐसी मिल जाएगी कितने की? अभी तक तो बड़े तो चलती ना करा कर। तो गाइस शौर्य के साथ आए हैं गन लेने के लिए, अभी देख रहा है गन, पसंद नहीं आ रही इसको कोई गन, तो अभी मैं तो बाहर खड़ा हूँ, वो देख रहे हैं अंदर प्रीति और शौर्य। जैसे ही गन पसंद आती है इसको गन लेके देते हैं एक बढ़िया सी। तो गाइस शौर्य ले चुका गन, ये गन लिया शौर्य ने। तो गाइस शौर्य लगा है रोने। तो गाइस शौर्य लगा है रोने और मुंह छुपा रहा है, सड़क पे कर रहा है नाटक बहुत ज्यादा। इसकी मम्मी ये साथ खड़ी है तो अब ये रो रहा है, रो ही जा रहा है। आज बड़ा मूड खराब है शौर्य का। इसको खुश करते हैं, इसको एक बढ़िया सी गन और लेके देते हैं और चलते हैं घर। तो गाइस अब शौर्य की मैडम को कर रही है प्रीति फोन, शौर्य की मैडम को हो रहा है फोन। ये फोन हो गया शौर्य, देखिए मिला दिया मम्मी ने। तो गाइस अब आए हैं मार्केट, शौर्य खाएगा बर्गर और प्रीति खाएगी दही बल्ले। दही बल्ले शौर्य अभी तक है नाराज, इसके वाली गन ली नहीं। गाइस थोड़ी कॉस्टली ज़्यादा थी तो कोई बहाना नहीं मिला लेके देने का, तो कैसे लेके दें इसके लिए शॉर्ट गन लिया एक। अब खाते हैं दही बल्ले और इसको लेके देते हैं बर्गर, थोड़ा नाराज है, इसको मनाता हूँ अभी और थोड़े दही बल्ले खा लेते हैं प्रीति के साथ। तो गाइस शौर्य के लिए बन रहा है बर्गर, शौर्य को लेके देते हैं बर्गर और फिर निकलते हैं घर। तो दोस्तों शौर्य ने गन पसंद किया, ये अवेंजर्स गन, इसको घर जाके बॉक्स ओपन करेंगे इसका, देखेंगे कैसी चलती है क्या चलती है। यहाँ तो सही थी चलने में, बाकी घर जाके देखते हैं अवेंजर्स 3। तो गाइस शौर्य हो गया तैयार, शौर्य को हमने पटा लिया है बर्थडे पर 2000 का गिफ्ट लेने के लिए, शौर्य मान चुका है और अब उसकी माँ नाराज हो गई है। मोमोज के लिए मोमोज मांग रही है और मैंने किया है मना, बाकी लेके तो देने पड़ेंगे। शौर्य तैयार है, स्माइल दिखाओ। अब शौर्य खुश है पूरा, समझ गया है। और ये देखो इसकी गन, स्पेशल गन लाया है, गोलियों वाली। अच्छा ये भी लग जाएगा इसके ऊपर, ये सेट हो गया है। बस हो गया। अच्छा इसमें गोलियां डलेंगी, ओ वाह दिखाइयो, ये स्पेशल गन लाया है शौर्य। बाकी इसकी गोलियां अभी पानी में डालनी पड़ेंगी, पानी में डालेंगे तभी पता लगेगा कैसी है। इसको चला के देखते हैं, अभी पानी में गोलियां डालेंगे उसके बाद। ये देखो अब हो गया जोश में। तो गाइस प्रीति लाई है न्यू कैप, आप देख ही रहे हैं, डाल के बैठी है न्यू कैप लाके और दोनों बैठे हैं ऑफिस में मेरे साथ। शौर्य को बड़ी मुश्किल से मनाया है बर्थडे वाले दिन खर्चने के लिए पैसे, जो गन लेके दिए अब उससे वो संतुष्ट है। अभी गोलियां तैयार करेगा घर जाके। क्या दो क्या देखो गाइस कैमरे के सामने थोड़ा बोलने से शर्माता है अभी, बाकी घर जाके देखते हैं इसी गन चला के देखेंगे घर पर। अब जाते हैं घर। गाइस शौर्य बिजी है अपनी गन में, फुल बिजी है अपनी गन में और प्रीति देख रही है नाटक। प्रीति क्या, प्रीति लाई है ये मशीन। गाइस ये तो दिखाना ही भूल गए, प्रीति लाई है ये मशीन, क्या बोलते हैं प्रीति इसको, है प्रीति लाई है नीट क्लीनर। गाइस हिंदी में बता देता हूँ, जो बुर आ जाती है स्वेटरों पे या कैप्स पे या रजाई पे जो बुर आ जाती है ये उसको साफ करने वाली, बिजली से चलने वाली। गाइस पहले सेल वाली आती थी और शौर्य
आपकी गन दिखाओ कैसी है पापा को अच्छी तरह चला के। नहीं नो नो नो, ये देखो ये निशाना मोबाइल पे ही लगा रहा है, ये नीचे निशाना मारा इसने, ये लगाया निशाना गन फोन पर। गोलियां खराब हो रही है। ठीक है प्रीति, ये मशीन चला के तो देख ले, तो इसको चला के देखेंगे गाइस, उसके बाद बताएंगे कैसे हैं ये। तो गाइस चोर बंदूक से खेल चुका है और अब दोबारा लग गया है टीवी देखने में। भेलपुरी बनाई थी अभी, प्रीति खा रही है, हमने खा ली है, प्रीति ने थोड़ी सी ली आखिरी में, शौर्य और मैं खा चुके हैं थोड़ी थोड़ी भेलपुरी, दो चम्मच छोड़ दी थी शौर्य ने, वो खा रही है प्रीति, और भेलपुरी खा के अब फ्रेश हैं। टाइम बज गया रात के 10, अब पियेंगे दूध, थोड़ा सा दूध पियेंगे और एडिटिंग करूँगा और उसके बाद सोऊंगा। 8 बजे मेरा आज का व्लॉग मेरे चैनल पर आप देख सकेंगे, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें। गुड बाय।